तो ये देखो, ये पूरा सूज गया है, ये पूरा सूज गया है पैर ना यार। मेरे बैग का हाल भाई, अंदर रखा था पूरा भाई, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने दिन से धुलाई नहीं भाई। एकदम नया बैग रखा था अंदर, और भाई धूल ही धूल, धूल ही धूल। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मिस्टर को के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बाकी बिना देरी किए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका रेलवे स्टेशन, तो 4 बजे ट्रेन आई नहीं है, तो ये है अभी सब सो रखे भाई। तो बस ट्रेन आएगी, वो मुझे 5 घंटे के अंदर छोड़ देगी रायपुर। फिर रायपुर से मैं निकलूँगा सीधे रांची की ओर। अब देखते हैं रांची में रुकना होता है या रांची में रुकना पड़ता है या वहीं पर वहीं से ट्रेन मिल जाएगी। तो लोग मैं पहुंच चुका हूँ रायपुर के जंक्शन में, और देख सकते हो इस वाली ट्रेन में इतनी भीड़ आई थी भाई, मुझे ऊपर चढ़ने की जगह तक नहीं मिल रही। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ, तो एक 12 तारीख की रांची की ट्रेन है, तो उसी का जर्नल टिकट लेके मैं निकलूँगा रांची की तरफ। फिर रांची में सीधा गया, तो अभी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बाहर आ रखा हो, लंच करने के लिए कह सकते हैं मतलब। तो फिर उसके बाद मैं सीधे अंदर स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ट्रेन भी नहीं है, ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो मैं यहाँ बस टर्मिनल आया। तो यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट बस नहीं चलती है, आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ से आपको प्राइवेट बस लेना पड़ेगा, जो कि आपको 1000 रुपये का लगभग टिकट पड़ जाएगा। मैं इसीलिए ले रहा हूँ मैम, क्योंकि अब देखो वही है मेरा, मेरी मेन दिक्कत वही है। मैं 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलता हूँ ना, तो पैर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नस दब गई है। तो देहरादून जाके सबसे पहले मैं पैर ही चेक करवाऊँगा। तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं, और अभी यहाँ से 150 किलोमीटर और दूर है रांची, तो 2-3 घंटे और लगेगा। फाइनली दोस्तों मैं रांची झारखंड पहुँच चुका हूँ। और देखना यार मेरे बैग का हाल भाई, अंदर रखा था पूरा भाई, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने दिन से धुलाई नहीं भाई। एकदम नया बैग रखा था अंदर, और भाई धूल ही धूल, धूल ही धूल। बाकी अभी थोड़ा बैग को साफ करके तब नाश्ता करने के लिए निकलता हूँ। तो फाइनली हाँ, यहाँ से मैंने शेयर ऑटो ले लिया है, और बैग का हाल देख सकते हैं पूरा धूल ही धूल हो गया है। तो अभी बस स्टेशन में देखते हैं, अगर कोई रूम वगैरह होता है तो वहाँ पर थोड़ा फ्रेश होना, उसके बाद गया के लिए निकलना है। फिर उसके बाद गया होते हुए प्रयागराज, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर वापसी। तो अब स्टेडियम, क्योंकि रात भर बस का सफ़र था तो जल्दी सो भी नहीं पाया था, तो पहले देखता हूँ अगर रूम वगैरह मिलता है तो। दोस्तों ऑटो वाले ने मुझे स्लीपर वाले बस का स्टैंड में छोड़ दिया था, नहीं मुझे स्लीपर बस नहीं लेना है, या तो गवर्नमेंट बस से जाऊँगा या तो ट्रेन से होते हुए, दोनों में से एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बजट भी देखना है अपना। तो अब मैं सीधे जा रहा हूँ गवर्नमेंट बस डिपो, और वहाँ पर देखते हैं कितना लेते हैं वो। यहाँ से गया है 5 घंटे की दूरी, तो 6 घंटे तक मैं पहुँचाएगी वो, तो अब जा रहा हूँ वहीं। तो दोस्तों 12 बज चुके, और मैंने अभी ब्रश किया और फ्रेश वगैरह हुआ, यहीं पर बस स्टेशन के करीब है गवर्नमेंट, तो यहाँ से भी बस नहीं है। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ, एक बार ट्रेन देख लेता करके। तो जैसे ट्रेन देखा तो सीट अवेलेबल थी, तो 200 रुपये का सीट पड़ी, तो मैंने बिना देरी के वो बुक कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ सीधे रेलवे स्टेशन, अब लंच वगैरह भी करूँगा वहीं, पहले रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ, वरना 2 बार ऑलरेडी हमारी पहले भी ट्रेन छूट चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बार ट्रेन भी छूट जाए। फिर उसके बाद अब लंच करके मैं सीधे निकलूँगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रांची स्टेशन, यहाँ से है 3 बजे का मेरी ट्रेन, तो मैं वेटिंग हॉल में जा रहा हूँ अब। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है रांची स्टेशन का, तो मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, तो वहाँ इंक्वायरी है और डोमेट्री भी है वहाँ पर, लेकिन मैं डोमेट्री लूँगा नहीं। दोस्तों मैं अंदर पहुँच चुका हूँ, तो वहाँ पर चेकिंग वगैरह थी, तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आई है, अभी देखता हूँ यहाँ पर कहीं पर वेटिंग हॉल में। तो फाइनली दोस्तों मैं गया पहुंच चुका हूँ, तो अब कोई धर्मशाला ढूंढता हूँ, थोड़ा ठंड ज़्यादा है, तो पहले धर्मशाला से पहले खाना खा लूँ, भूख लग रही है।
तो अभी देखते हैं रूम जाकर, पहले रूम ढूंढता हूँ सस्ता, 200-300 में मिल जाए तो फिर आपसे मिलते हैं। फाइनल दोस्तों हमें रूम मिल चुका है यहाँ, उत्तम भाई का खुद का ही होटल है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया अभी हमने, तो इनके भी काफ़ी सारे दोस्त हमारे उत्तराखंड से हैं, तो अभी इनके यहीं रुका हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन के सामने रूम है, तो वहाँ पे रूम वगैरह भी काफ़ी क्लीन है और बजटेबल पड़ गया था मुझे। बाकी आप जा रहा खाना खाने, अब मिलते सीधे आपसे कल। तो भाई साहब मैं जैसे रूम पे आया, रूम पे आने के बाद जैसे मैंने अपने पैर का हाल देखा भाई, सॉक्स ने मतलब इतनी ज़्यादा ग्रिप कर ली थी। तो ये देखो ये पूरा सूज गया है, ये पूरा सूज गया है पैर ना, तो पूरा पैर सूजन आ गया है। आई थिंक 38 आवर्स के बाद मैं सॉक्स खोला तो देखा तो भाई ये हाल होता है, पूरा सूज गया है। अगर आप भी देखा मैंने जैसे अभी सॉक्स खोला भाई,